तो जिस सिम्बियोट को लेकर आप लोगों की सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी वो है एंटी वेनम। हिस्ट्री ऑफ सिम्बियोट्स की सीरीज में यही वो सिम्बियोट कैरेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा रिकमेंड हुआ है। तो फाइनली हम इस कैरेक्टर की हिस्ट्री को लेकर आपके सामने आ चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटी वेनम की पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे और इसके द्वारा किए गए सारे मेजर इवेंट्स की भी बात करेंगे। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर नए आ गए उस चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. The history of anti-venom. Anti-venom सबसे पहले अपियर हुआ था 2008 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 569 में। ये वो समय था जिस वक्त पर एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड नहीं होता और एडी ब्रॉक के ऊपर सिटी में तबाही मचाने और दूसरों की जान लेने जैसे चार्जेस लगते हैं। लेकिन मैट मुडॉक जो कि डेयरडेविल होता है वो एडी का केस लड़ता है और कोर्ट में ये प्रूफ कर देता है कि जो भी कुछ हुआ है वो वेनम सिम्बियोट की वजह से हुआ है, ना कि एडी ब्रॉक की वजह से। इसीलिए इसमें एडी ब्रॉक की कोई गलती नहीं है, जिसके बाद एडी पर लगे चार्जेस को हटा दिया जाता है और एडी ब्रॉक एक सिंपल लाइफ जीने लगता है। इसके बाद मार्टिन ली नाम का एक आदमी एडी ब्रॉक को अपने काम पर रख लेता है और एडी ब्रॉक मार्टिन ली के सूप किचन में एज अ कुक काम करने लगता है। पर इसी दौरान एडी ब्रॉक को कैंसर भी होता है और अपने कैंसर का इलाज कराने के दौरान उसे पता लगता है कि वो कुछ दिन बाद अपने कैंसर की वजह से मरने वाला है। पर एक दिन अचानक से एडी ब्रॉक अपने बॉस मार्टिन ली यानी मिस्टर नेगेटिव के टच में आ जाता है, जिसकी वजह से एडी की बॉडी में जो वेनम के पार्टिकल्स बचे होते हैं वो मिस्टर नेगेटिव के टच में आने की वजह से चार्जअप हो जाते हैं और वो एडी की बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ बॉन्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर ही एक नए सिम्बियोट का जन्म होता है। ये सिम्बियोट एडी के कैंसर को हील करने लगता है और एडी ब्रॉक कैंसर से पूरी तरह से क्योर हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद मैक गार्गन यानी कि स्कॉर्पियो स्पाइडरमैन को ढूंढने के दौरान एडी ब्रॉक से मिलता है और उस वक्त पर वेनम स्कॉर्पियो से बॉन्ड होता है। इसीलिए जैसे ही वेनम सिम्बियोट अपने पिछले होस्ट यानी एडी ब्रॉक को देखता है वैसे ही वो स्कॉर्पियो की बॉडी को छोड़कर एडी से बॉन्ड होने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वेनम सिम्बियोट एडी से बॉन्ड होने की कोशिश करता है वैसे ही एंटी वेनम वेनम को पीछे धकेल देता है और एडी ब्रॉक एंटी वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद एडी ब्रॉक और मैक गार्गन के बीच खतरनाक फाइट होती है और एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट को मारने की कोशिश करता है। एडी मैक गार्गन से कहता है कि वो सिर्फ उसे वेनम सिम्बियोट से बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद एडी ब्रॉक मैक गार्गन को डिफीट कर देता है और वेनम सिम्बियोट को भी लगभग मार ही देता है। पर तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और एंटी वेनम को रोक देता है, जिसके बाद एंटी वेनम स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। और अब क्योंकि स्पाइडरमैन भी कभी वेनम का होस्ट रह चुका था इसीलिए स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर भी वेनम के कुछ पार्टिकल्स होते हैं और एंटी वेनम स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर से भी वेनम के पार्टिकल्स को क्योर कर देता है। लेकिन इसकी वजह से स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है। पर तभी वहाँ थंडरबोल्ट्स आ जाते हैं और एडी ब्रॉक को रोक देते हैं। थंडरबोल्ट्स एडी ब्रॉक यानी एंटी वेनम पर एक सोनिक प्रोजेक्शन अटैक करते हैं, लेकिन एंटी वेनम उन सभी अटैक से सर्वाइव कर जाता है। पर उसके बाद वो एंटी वेनम पर फायर अटैक्स भी करते हैं, लेकिन एंटी वेनम को फायर अटैक से भी कुछ नहीं होता। इन सबको देखकर थंडरबोल्ट्स का डायरेक्टर यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न उन सबसे जाने के लिए कहता है और वो मैक गार्गन को अपने साथ ले जाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न मैक गार्गन को अपने बेस में ले जाता है और वहां लाकर वो मैक गार्गन और वेनम दोनों को ही हील कर देता है, जिसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न एंटी वेनम के कुछ पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है और उन पार्टिकल्स की हेल्प से एक सुपर वेनम नाम के एक सीरम को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो सीरम को स्कॉर्पियो के टेल में इंजेक्ट कर देता है ताकि स्कॉर्पियो उस सुपर वेनम सीरम को एंटी वेनम की बॉडी में डालकर उसे डिफीट कर सके। इसके बाद मैक गार्गन एक एडवांस स्कॉर्पियो सूट को पहनता है और एंटी वेनम से फाइट करने निकल जाता है, जिसके बाद मैक गार्गन और एंटी वेनम के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और काफी वक्त तक फाइट करने के बाद स्कॉर्पियो अपनी टेल से एंटी वेनम पर अटैक कर देता है और उसके अंदर सुपर वेनम सीरम को इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एंटी वेनम बुरी तरह डैमेज हो जाता है। मैक गार्गन इसके बाद एडी ब्रॉक को जान से मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वेनम सिम्बियोट मैक गार्गन को ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर मैक गार्गन एडी से कहता है कि उसका सिम्बियोट उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद मैक गार्गन एडी से कहता है कि वो उसे अगली बार मार देगा और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। इन सब के बाद एंटी वेनम फिर से रिकवर हो जाता है और एडी ब्रॉक को ये पता लगता है कि उसका बॉस मार्टिन ली और मिस्टर नेगेटिव दोनों एक ही आदमी है। एडी को ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस इंसान को अपना आइडल मानता था वो एक सुपर विलेन निकलता है। इसके बाद एडी ब्रॉक मेंटली काफी अनस्टेबल हो जाता है और क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ कर उन्हें मारने लगता है, और इसी दौरान वो एक बार पनिशर के साथ टीम अप करके एक ड्रग कार्टल को भी रोकता है और उससे अपने एक दोस्त को भी बचाता है। इन सब के बाद एडी डिसाइड करता है कि वो मार्टिन ली यानी मिस्टर नेगेटिव को क्राइम करने से रोकेगा और वो उसे मार देगा। पर जैसे ही एंटी वेनम मिस्टर नेगेटिव पर अटैक करता है वैसे ही स्पाइडरमैन वहां कर उसे रोक देता है और मिस्टर नेगेटिव को एंटी वेनम से बचा लेता है। स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि मिस्टर नेगेटिव यानी कि मार्टिन ली एक इनोसेंट इंसान है, इसीलिए स्पाइडरमैन मार्टिन ली को बचाने के लिए एंटी वेनम से फाइट करता है। पर एंटी वेनम और स्पाइडरमैन की फाइट में एंटी वेनम स्पाइडी को इजीली डिफीट कर देता है और उसे कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद एडी ब्रॉक स्पाइडरमैन को कन्वेंस करता है और उसे बताने और समझाने की कोशिश करता है कि मार्टिन ली और मिस्टर नेगेटिव दोनों एक ही इंसान है।
इसके बाद एंटी वेनम फिर से मिस्टर नेगेटिव का सामना करता है, लेकिन इस बार मिस्टर नेगेटिव अपनी एक नेगेटिव स्वॉर्ड से एंटी वेनम पर अटैक कर देता है और उस स्वॉर्ड को एंटी वेनम के अंदर स्टैप कर देता है। पर फिर एंटी वेनम और स्पाइडरमैन एक साथ टीम अप कर लेते हैं और मिस्टर नेगेटिव की आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर नेगेटिव को अरेस्ट कर लिया जाता है और एंटी वेनम सबकी नजरों में एक हीरो बन जाता है। एंटी वेनम के आगे के इवेंट्स हमें स्पाइडर आइलैंड स्टोरी लाइन के अंदर दिखते हैं, जिस स्टोरी लाइन के अंदर एक अननोन इन्फेक्शन की वजह से न्यूयॉर्क सिटी के सारे लोगों के अंदर स्पाइडी पावर्स आ जाती है और उनमें से बहुत सारे लोग अपनी पावर्स का मिसयूज करके क्राइम करने लगते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पावर्स को देखकर डर जाते हैं और यहीं पर एंटी वेनम अपनी हीलिंग पावर्स का यूज करता है और जो भी न्यूयॉर्क सिटी के लोग इन्फेक्टेड हुए होते हैं एंटी वेनम उन्हें ठीक करने लगता है। इसके बाद सिटी के बाकी के सुपर हीरोज को जैसे ही एंटी वेनम के बारे में पता लगता है कि एंटी वेनम लोगों को क्योर कर सकता है, वैसे ही फ्लैश थॉम्सन एंटी वेनम से आकर फाइट करता है और उसे अपने साथ ले जाकर रीड रिचर्ड्स को सौंप देता है, जिसके बाद रीड रिचर्ड्स एडी ब्रॉक के एंटी वेनम का यूज करके इन्फेक्शन का क्योर बनाता है और उससे सभी लोगों को ठीक कर देता है। पर इसकी वजह से एडी ब्रॉक को अपने एंटी वेनम सिम्बियोट को खोना पड़ता है, पर रीड रिचर्ड्स एडी के सैक्रिफाइस को बेकार नहीं जाने देता। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सभी को एडी ब्रॉक के सैक्रिफाइस के बारे में बताता है और इसी के साथ यहीं पर एंटी वेनम की हिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो यही एंटी वेनम की कंप्लीट हिस्ट्री थी कि कैसे एंटी वेनम क्रिएट हुआ, कैसे सबके सामने अपीयर हुआ और कैसे दूसरों को बचाने के लिए एडी ब्रॉक को एंटी वेनम को सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब एंटी वेनम की हिस्ट्री को जानने के बाद चलिए इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ एंटी वेनम। एंटी वेनम एक माइंडलेस सिम्बियोट है, यानी कि दूसरे सिम्बियोट्स की तरह एंटी वेनम की खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है और इसीलिए इसका होस्ट इसे अपने तरीके से फ्रीली यूज कर सकता है। और क्योंकि एंटी वेनम भी एक सिम्बियोट है इसीलिए इसके पास भी सारी सिम्बियोटिक पावर्स है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, सुपर स्पीड और एडवांस हीलिंग फैक्टर। यानी कि एंटी वेनम 70 टन तक के वेट को इजिली लिफ्ट कर सकता है और हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी दूर तक आसानी से फेंक सकता है। ये सिम्बियोट अपने होस्ट को पावरफुल फिजिकल इंजरीज से बचा सकता है और उसे हार्मफुल एरियाज में सर्वाइव भी करवा सकता है। पर अगर कभी इसके होस्ट को कोई इंजरी हो जाए तो यह उसे इजिली हील भी कर सकता है। साथ ही ये सिम्बियोट वॉल क्रॉलिंग कर सकता है, वेब्स को शूट कर सकता है, अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को सेंस कर सकता है और अगर चाहे तो दूसरे सिम्बियोट्स को भी सेंस करके ट्रैक कर सकता है। इनके अलावा एंटी वेनम के पास एक्सटर्नल सिम्बियोट रिजेक्शन एबिलिटी है, जिसकी हेल्प से ये अपने होस्ट को दूसरे सिम्बियोट से बॉन्ड होने से भी बचा सकता है। साथ ही एंटी वेनम अपने होस्ट की बॉडी की इंटरनल बॉडीली क्लींजिंग भी कर सकता है, यानी कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को क्योर कर सकता है और होस्ट की बॉडी के अंदर के डिजीज को भी ठीक कर सकता है। पर जहां सारे सिम्बियोट्स फायर और सोनिक साउंड्स के आगे वीक पड़ जाते हैं, वहीं एंटी वेनम फायर और सोनिक ब्लास्ट के अटैक से भी सर्वाइव कर सकता है। और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये सिम्बियोट ना तो हाइव माइंड से कनेक्टेड है और ना ही ये क्लिंटार रेस से बिलोंग करता है। तो यही एंटी वेनम की हिस्ट्री पर कंप्लीट वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे आप लोग कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ सिम्बियोट्स की सीरीज में हम अब तक नल, कार्नेज, रायट, टॉक्सिन और हाइब्रिड जैसे सिम्बियोट कैरेक्टर्स पर वीडियोस बना चुके हैं और अब इस सीरीज की सिर्फ दो ही वीडियोस बची हैं, जो कि है हिस्ट्री ऑफ वेनम और हिस्ट्री ऑफ एजेंट वेनम। और अब आपको ये वीडियोस भी जल्दी देखने को मिलने वाली है। पर जैसे ही वेनम 2 मूवी इंडिया में रिलीज होती है, वैसे ही हम और भी कुछ कमाल की वीडियोस को लेकर आपके सामने आएंगे। इंडिया के अंदर वेनम 2 मूवी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दिन पर रिलीज हो रही है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ ये मूवी 14 को रिलीज हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में ये मूवी 22 को रिलीज होगी। तो अब आप मुझे बताओ कि आप कौन से स्टेट में रहते हो और आपके स्टेट में मूवी कौन से डेट को रिलीज हो रही है। तो बस अब जाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।